तो हेलो व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है सम्राट फैशन में। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफ्यूजर के ऊपर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो इसके अंदर मैंने डिफ्यूजर के बहुत सारे कलेक्शन दिखाए थे, जिनमें से बाकी सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने उसे ऑर्डर भी किया होगा तरह तरह के प्लेटफॉर्म से। तो व्यूअर्स, आपने ऑर्डर किया तो कुछ टाइम बाद ना थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है, कभी खराब हो गया या कुछ हो जाता है डिफ्यूजर के अंदर, जैसे कि ये जल नहीं रहा है या कुछ नहीं होगा। बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि खराब हो गया, कैसे ठीक होगा, तो उसमें कुछ मैकेनिज्म नहीं होता है, बस ज्यादा से ज्यादा उसका ये बल्ब फ्यूज होता है। तो इसको आज हम चेंज करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इस बल्ब को आप खुद ही घर पे लगा सकते हैं, किस तरीके से, वो आज इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये जो बल्ब है सारा इसी का ही खेल है, इसी से पूरा डिफ्यूजर चालू रहता है, जलता है। तो ये मार्केट में आपको 5 रुपए की कीमत पे देखने को मिल जाएगा ये व्यूअर्स। और व्यूअर, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप थोड़े से इलेक्ट्रिक में जानकार हैं, बल्ब वगैरह चेंज करना जानते हैं, तो तभी आप इस चीज को घर पे ट्राई करें, वरना इसे घर पे ना ट्राई करें, इसे अवॉइड करें। आप इलेक्ट्रिशियन से आप उससे करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो करके दे देगा आपको। तो व्यूअर्स, आप चलते हैं, इसका मैकेनिज्म मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, इसके नीचे ये पूरी वायरिंग होती है, जो केबल है इसके अंदर ही ये पूरा होल्डर गिरा, तो ये जो क्लिप्स होती हैं इनको आप दोनों को दबाना है और ये इजीली बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये इस तरीके का दिखता है। तो इसके अंदर हमें बल्ब लगाना होता है। तो बल्ब कैसे लगाते हैं, ये बल्ब में आपको दो दिख रही है स्प्रिंग टाइप की, इसको हमें इसके अंदर यूं फंसाना होता है, ये फंस गया, बस यही करना होता और कुछ नहीं। फिर वापस इसको ले जाके इसकी क्लिप्स को थोड़ा सा मोड़ने के बाद इसे अंदर डाल देंगे और इसको वापस उसी तरीके से इधर से मटका देंगे। ये लग गया, ये पूरी तरीके से तैयार है, बल्ब चेंज होके डिफ्यूजर हमारा बिल्कुल तैयार है। पर से मैं इन्हें इसका बल्ब चेंज कर दिया, अब मैं इसको आपको चला के भी दिखाऊंगा कि किस ये वर्क करता है कि नहीं करता है। देख सकते हैं व्यूअर्स, ये ऑन हो गया, इसमें ऑफ कर दूंगा, ये ऑफ हो गया। तो व्यूअर्स, आप इस तरीके से अपने घर में इस डिफ्यूजर के बल्ब को चेंज कर सकते हैं, तभी आप करें जब थोड़ा सा आपको जानकारी हो इलेक्ट्रिशियन चीजों के बारे में। तो उम्मीद करता हूं व्यूअर्स, आपको इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी और नई वीडियो में।